अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दायरा बानो। हम सभी के लाइफ में ना एक चीज़ दिक्कत है, हम लोग कोई परफेक्ट नहीं होते, लेकिन हम लोग सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परफेक्ट हो। इवन लाइफ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव्स, हम लोग सभी चाहते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ या नहीं हूँ, आप अगर हो तो आप परफेक्ट हो। वैसे ही हम लोग जानते हैं, एक मर्द का ख्वाब होता है क्या, उसको एकदम परफेक्ट वाइफ मिले। और सेम एज सेम एक वाइफ की भी, एक लड़की की भी ख्वाहिश होती है कि उसको एकदम परफेक्ट हस्बैंड मिले। और ये दोनों कश्मकश में रहते हैं कि दोनों यही सोचते हैं कि एक परफेक्ट मिले, और वाइफ भी सोचती है परफेक्ट मिले, हस्बैंड भी सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे एक गलती हो जाती है कि कहीं ना कहीं अल्लाह ने उन दोनों को मुकम्मल मुकम्मल बनाया है। दोनों में कुछ कमियाँ होगी, और इसके बावजूद भी अगर अल्लाह ने उनको लाइफ पार्टनर मियाँ बीवी बनाया तो इसका मतलब कि दोनों को मुकम्मल कर दिया। लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, लाइफ पार्टनर से नाउम्मीदी करते हैं, नाखुश रहते हैं, और हम लोग उनकी कमियाँ सिर्फ 24 घंटा कमियाँ ही देखते रहते हैं। और इस चक्कर में क्या होती है, जो वाकई में नहीं भी कमी होती वो भी हमें दिखने लगती है। बहुत बार होता है कि लोगों में कहते हैं ना कि अगर कोई किसी को पसंद कर रहा है तो उसकी सारी कमियाँ भी उसकी अच्छाई में दिखती हैं, और अगर नफरत करने लगे तो उसकी अच्छाई भी कमियां दिखने लगती हैं। तो उसी तरह से है, अगर आप लाइफ पार्टनर देख रहे हैं या फिर तो आप अगर किसी की कमी देख रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि मुझे परफेक्ट मिले, तो ये भी सोचना चाहिए ना कि मैं भी तो परफेक्ट नहीं हूँ। अगर मैं परफेक्ट हूँ तभी तो मैं सामने वाले से उम्मीद कर सकता हूँ कि हाँ सामने वाला परफेक्ट हो। फिर भी एक लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका लाइफ पार्टनर किस तरह का होना चाहिए। मैं चंद पॉइंट डालूंगी, चंद ही कुछ पॉइंट बताऊंगी। सबसे पहली बात क्या, वो ट्रस्टेड होना चाहिए, जिसपे लाइफ पार्टनर वैसा हो कि जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसान ट्रस्ट कर सके, और सामने वाले जो भी हो, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट हो। ट्रस्ट होना चाहिए रिलेशन में, और रिस्पेक्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी पॉइंट क्या हो सकती है कि लविंग हो, केयरिंग हो, क्योंकि अगर कोई रिश्ता है और वहाँ पे लविंग नहीं हो, केयरिंग नहीं हो, तो ये भी कोई काम का नहीं है। दूसरी चौथी बात क्या है कि सपोर्टिव हो। बहुत बार होता ना कि एक ही हर चीज़ किए जा रहा है, दूसरा कर ही नहीं रहा, तो सपोर्टिव होना चाहिए कि हाँ सामने वाला भी अगर एक कदम बढ़ा रहा है तो वो भी एक कदम बढ़ा रहा है। सपोर्टिव कम से कम, ना भी वो हर जगह खड़ा हो तो कम से कम थोड़ा बहुत जहाँ तक हो सपोर्टिव होना चाहिए। और बहुत बार होता है कि वाइफ हो या हस्बैंड हो, टीवी सीरियल में टाइम स्पेंड कर देते हैं, हस्बैंड है तो अपनी दोस्ती यारी में या फिर फ़ोन में या इधर उधर घूमने फिरने में, और अपने लाइफ पार्टनर को वक्त नहीं देते, तो ये भी सही नहीं है। जितना टाइम मिले उसी में ही एक अच्छे इंसान की ये पहचान होती है कि वो अपने लाइफ में कितना भी बिजी हो, अपने लाइफ पार्टनर के लिए या फिर अपने एकदम करीबी रिश्तेदार के लिए ना वो 5 मिनट के वक्त निकाल ही लेता है। तो एक अच्छे रिलेशन की ये भी है पहचान कि हाँ उनसे जितना टाइम मिलता है, जितना ही हो पाता है, वो टाइम निकाल कर उनसे बात करते हैं, तो ये टाइम स्पेंड करता हो साथ में, और इक्वालिटी हो। बहुत बार क्या होता है, हम लोग रिश्ते में एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं, इससे भी रिश्ता क्या होता है और ख़राब हो जाता है। जब भी कोई भी रिलेशन हो, हाँ कमियां हर इंसान में होती है, वो सब होने के बाद भी इंसान को क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। बहुत बार ऐसे भी लड़कियां होती हैं कि अगर हस्बैंड अगर किसी वजह से पसंद नहीं हो या जो भी हो उसका उनका मसला, तो वो अपने हस्बैंड को इक्वालिटी नहीं देती, रिस्पेक्ट नहीं देती, और अपने सामने अगर पर्सनली अपने घर में नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तक कि बहुत बार होता है कि पब्लिक प्लेस पर भी वो अपने लाइफ पार्टनर को, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो ये भी सही नहीं है कि आप अपने पब्लिक प्लेस पे इक्वालिटी भी दिखाएं, क्योंकि बाहर में आप क्या कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर होता है। और सबसे पहली बात कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गर्ल्स क्या देखती है कि अपने लाइफ पार्टनर में नशे की कोई लत ना हो, क्योंकि किसी भी तरह का नशा होगा आज के वक्त में, ड्रग्स है, बियर है, ना जाने क्या क्या इतनी ज़्यादा है, मुझे तो उतना इल्म भी नहीं है, बहुत तरह की नशा होती है, तो या फिर जुआ खेल रहा है, इधर उधर टाइम पास कर रहा है, या फिर बेरोजगार है, नल्ले बैठा हुआ, कोई काम ही नहीं कर रहा है। और बहुत बार होता है कि इंसान 5 बार 10 दिन काम किया, फिर जितना पैसे कमाया उसको पहले खा पी के मज़े कर लिया, फिर जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तब काम करेंगे। तो इस तरह की लड़कियाँ नहीं चाहती कि लाइफ पार्टनर हो, इवन कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि हाँ मेरा लाइफ पार्टनर ये ऐसा हो। और क्या पांचवी नेक्स्ट क्या चीज़ देख सकते हैं कि इंसान कितना भी सीरियस हो, लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन कभी कभी लाइफ पार्टनर का फनी भी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि रिश्ते में क्या होता है ना कि कभी कुछ बात हुई तो थोड़ा सा फ़नी या मजाकिया ही बात कर लिया। तो इस तरह की अगर इंसान कोशिश करेगा तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। और भी बहुत सारे क्वालिटी है लाइफ पार्टनर को लेकर, बट ये चंद क्वालिटी है जो हर इंसान में होना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी रिश्ते की बुनियाद यही होती है। मैं फिर से गिना दूँ रिश्ते की बुनियाद क्या होती है,
ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, लविंग एंड केयरिंग होना चाहिए और सपोर्टिव होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए। हाँ, एक और चीज़, कभी भी लाइफ पार्टनर या एक अच्छे फ्रेंड या फैमिली का ये मतलब है कि सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचे, पूरा सबका सोचे और टाइम स्पेंड करें, जितना भी टाइम मिले उसी में टाइम स्पेंड करना। और रिश्ते में क्या क्वालिटी देना, होता है कि कई बार कुछ की ऐसी पोजीशन होती है ऊंचे और नीचे हुआ, लेकिन अगर लाइफ पार्टनर हो, एज अ वाइफ हस्बैंड हो, तो आपको क्वालिटी इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। और नशे की कोई आदत नहीं होना चाहिए, कोई भी इंसान आज के वक्त में गया, कोई भी इंसान नहीं चाहे, इवन मैं या कोई भी अपने, अगर कोई किसी का भाई अगर नशा कर रहा है तो खुद अपनी बहन के लिए अगर रिश्ता देखेगा तो कभी नहीं सोचेगा कि हाँ मेरी बहन को ऐसा हस्बैंड मिले जो नशे वाला हो। लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि हाँ अगर किसी और की बहन अगर मेरे घर में आ रही है और अगर वो लड़का नशे कर रहा है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ये भी थोड़ी सी है, लड़का को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई नशा कर रहा है तो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है, किसी भी तरह का नशा, वो अपने वाइफ का, आने वाली जनरेशन का भी ज़िंदगी बर्बाद करता है। तो इंसान को इतना सोचना चाहिए। और नशे भी, किसी भी तरह का नशा होता है तो इंसान मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाता है जो ना अपने फ्यूचर का कुछ प्लानिंग कर पाता है, ना वाइफ, ना बच्चे, किसी का नहीं सोच पाता है। तो अल्लाह बचाए, नशे की लत तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग ये सब ध्यान रखें कि किसी भी रिलेशन में जाएं तो ये सब बातें याद रखें। और एक अच्छे इंसान की ये पहचानें कि लाइफ पार्टनर जैसा भी हो, अल्लाह की नेमत है कि आपको दोनों को अल्लाह ने अगर लाइफ पार्टनर बना दिया है तो ये मकसद है कि आपको अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया, एक दूसरे के साथ मुकम्मल कर दिया। तो हम लोग और परफेक्शन की तलाश में और दिमाग में या ना ये बात ना रखें कि हम मुझे और इससे बेहतर मिल सकता था, अल्लाह की जो मर्जी थी मिल गई, अब उससे ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद रखेंगे तो जो भी हमारे पास है ना, बहुत बार होता है कि कुछ चीज़ें हमारे पास अच्छी चीज़ें भी होती है लेकिन हम उससे और बेहतर की तलाश में जो हमारे पास चीज़ होती है वो भी ख़राब हो जाती है, फिर वो भी वैसे रिश्ते भी टूट जाते हैं अच्छे की तलाश में। तो बेहतरी यही है कि जो भी रिश्ते हैं आप उन्हीं को संभाल के रखिए, दूसरे और नए रिश्ते खोजने के चक्कर में हम लोग अपने पुराने रिश्ते ही ख़राब कर देते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम।